फतुहा से आए थे मीटिंग अटेंड करके, यही पे गाड़ी हॉल भवन के आसपास गाड़ी लगी हुई थी, 5-6 गाड़ी आ गई थी बाद में 2 बजे 3 बजे तक। लोग यहाँ खाना खाया, लिट्टी खाया और पैदल जा करके लालू जी से आग्रह करने गया कि क्या हो रहा है, जो लोग काम किया है, फसल बोया है, कम से कम उसको काटने दीजिए। ये आदमी 15 साल 20 साल से पार्टी का काम कर रहा। उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया, उसमें बहुत लोग हैं, लोग हैं बाहर आगे आगे सब लोग हैं। तो अच्छा ठीक, तो उन्होंने बहुत अपसर भी किया और व्यवहार भी बहुत गलत किया और उसके बाद लोगों को अपने पुलिस को बुलवा करके और बाहर सबको निकलवा दिया। तो मेरठी के लोग ने हमको फोन किया कि भाई हमको भाजपा का ऑफिस बताइए और नंद किशोर बाबू का नंबर दीजिए। हम क्या बात हो गया भाई, कहे का भाजपा का ऑफिस? तो हम लोग आज जितने आदमी हैं सब आदमी आज सदस्यता लेने तो ये गाली दिए हैं, हम लोग भगवा दिए हैं मान। हालांकि ऐसा कुछ बहुत नहीं हुआ था, मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन 2-4 आदमी को गर्दन में हाथ लगा के लोग पुलिस बाहर कर दिया। अब यही पे लोग मुर्दाबाद कर दिया, उनका होर्डिंग फोर्डिंग फाड़ दिया, इसमें मेरी कहीं से संलिप्तता नहीं है, मैं नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। जब लोग इन्होंने बताया इन लोगों ने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो हम बोले कि आपको भाजपा कार्यालय या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिए, आप लोग चले आइए। 6-7 बजे लौट करके यहाँ से जब लोग गया, वहाँ बहुत तैश में था लोग, कहा कि नहीं हम लोग मिलेंगे या नहीं तो आपको स्टैंड करना। हम कि कैसे स्टैंड करेंगे, जिस दल में हमने काम किया वो दल हमको जब साफ नकार दिया, जितना नकार दिया कहे कि टीवी पर चलने लगा कि जागेश्वर राय जी को 6 साल के लिए निष्कासित। एक आदमी पीछे से आवाज रुक जाइए सर, टीवी पर आपकी बात चल रही है, क्या हुआ? तो आप लोग को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बोले कोई बात नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने माइनॉरिटी के जितने लोग थे उठ के आए और जाकर के गांधी चौक पर कैंडल जुलूस निकाल दिए उनके खिलाफ, अखबार और मीडिया कवरेज कर लिया। इसमें हमारी कहीं संलिप्तता नहीं थी, कोई मेरा दोस्त नहीं था, जो जनता के मन में आया उन्होंने किया। हम बाहर हो गए दल से, 3-4 साल से बिल्कुल हम घर पर बैठे हुए हैं। जब वर्कर जितना लोग था, हम लोग को 5-7 हजार वर्कर जो था जो लगातार जुड़ा हुआ हम लोग से, उन लोगों ने आया कहा कि भाई जब भी आप ज्वाइन करिए हम आपके साथ हैं और राजनीति की बिल्कुल बैठते जा रही है, आपके चलते हम लोग भी घर पर बैठ गए। तो मैंने संपर्क किया जिला अध्यक्ष जी से, नहीं नहीं कहीं से नहीं, अगर हम उसके पात्र होंगे सर बता रहा, अगर हम उसके पात्र होंगे तो टिकट से परहेज नहीं है, लेकिन टिकट के लिए नहीं आए हम, टिकट के लिए आरजेडी में नहीं, हम पहले ही बोल दिए और राजद सुप्रीमो के सामने में हमने अनाउंस किया था 50,000 आदमी के सामने कि मैंने टिकट इनसे नहीं मांगने का। टिकट कटा तो आप बागी हो गए, अब यहाँ मतलब नए पार्टी में आए हैं, नए सिरे से राजनीत कर रहे हैं, बहुत सारे समर्थक भी हैं, तो कुछ उम्मीद लेके आए होंगे ना? हम लोग युग पुरुष मानते हैं नीतीश जी को, जितना जनता लोग यहाँ आया हुआ है और यहाँ पर आप लोग भी बैठे हुए हैं, केवल आंख बंद करके स्मरण करके देखिए बिजली।